नमस्कार साथियों, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला है फॉर बैंक एम्प्लॉयज, जिसमें जो बैंक एम्प्लॉयज के ट्रांसफर कर दिए जाते थे फोर्सली या फिर बिना किसी रेगुलेशन के, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। कई सारी कंप्लेन पहुंची थी यूनियन के थ्रू या डायरेक्ट किसी के थ्रू, जो सांसद, विधायक या फिर जो मिनिस्ट्री पर डायरेक्ट कई सारी कंप्लेन पहुंची थी कि जो बैंक की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें कई सारे लूप होल हैं, कई लोग हैं जो 10-10 साल तक एक ही सीट पर बने रहते हैं। तो इस कारण ये इस पे गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है और डायरेक्ट जो नेशनलाइज बैंक है और स्टेट बैंक को डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन पहुंचा है 26 नवंबर को, जिसमें जो जिस भी बैंक की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसका रिव्यू करना है। और इन्होंने खुद कई सारे पॉइंट दिए हैं कि आपको ये चेंजेस करने ही पड़ेंगे, और काफ़ी अच्छा है, बेनिफिशियल है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वन बाय वन मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी को ही ये नोटिफिकेशन आया है और इसका सब्जेक्ट है रिव्यू ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी इन पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये यहाँ पर इन्होंने, अगर आप देखा जाए, पॉइंट देख लेते हैं वन बाय वन, आपको इन्हें नक्शल सारा बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट पर आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट हैज ऑब्जर्व एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन कंप्लेंट ग्रीवियंस रिसीव्ड विद रिगार्ड टू द ट्रांसफर पॉलिसी। ने क्लियर कहा है गवर्नमेंट ने कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, को कई सारी कंप्लेन आई हैं, कई सारे ग्रीवियंस रिसीव्ड हुए हैं, जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में कहा है कि जो ठीक नहीं है बैंक में। इसके अलावा इन्होंने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें क्या क्या एडवाइस किया है, जो कि पीएसबीज आर एडवाइज एज बिलो, ये आपको चेंजेस करने हैं। तो वन बाय वन बता देता हूँ जो काफ़ी बेनिफिशियल है। सबसे पहले इन्होंने कहा है डिफाइन करिए मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर एट ईच लेयर बी ऑल्सो बी क्लियरली डिफाइंड। मतलब एक एम्प्लॉय मान लीजिए क्लर्क है या स्केल 1 है, स्केल 2 जो भी हैं, तो उनका मिनिमम टेन्योर और मैक्सिमम टेन्योर कितना रहेगा किसी स्पेसिफिक पोस्टिंग पे या किसी डिपार्टमेंट में, ये क्लियर मेंशन होना चाहिए। अगला इन्होंने क्लियर बता रखा है ट्रांसफर टाइमलाइन भी क्लियरली डिफाइंड एंड स्ट्रिक्टली अधेर टू ट्रांसफर एक्सरसाइज मे बी कंप्लीटेड बिफोर जून। अब कई बार क्या होता है, कई ऐसे भी करते हैं, कोई डिपार्टमेंट है या कोई ब्रांच है, वहाँ कोई इशू हो गया और किसी को पनिशमेंट के तौर पर किसी भी दूर ब्रांच में भेज दिया जाता है। तो इन्होंने क्लियर कहा है जो टाइमलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और जून से पहले जो भी ट्रांसफ़र हो कर दें, क्योंकि इससे ये रहता है किसी की स्कूलिंग वगैरह रहती है, मान लीजिए जुलाई से जो सत्र चालू हो जाते हैं, सेशन चालू हो जाता है स्कूल का, तो बच्चों जो भी बैंक एम्प्लॉय उन पर इफेक्ट ना पड़े ट्रांसफ़र से। ऐसा ना हो किसी के अक्टूबर में हाफ ईयरली हो जाता है, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, पता चला दूसरी सिटी में, तो उसका पूरा साल ख़राब हो गया। इसलिए क्लियर मेंशन किया गया है कि जून से पहले आपके सारे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ये भी क्लियर दिखा है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने देखा है जो रोटेशनल ट्रांसफ़र है शुड बी ऑन सीनियोरिटी बेसिस। तो जो पहले सीनियर है, मान लीजिए किसी को 5 साल हो गए किसी जगह, और किसी को 3 साल ही हुए, तो आपने 3 साल वाले को पहले कर दिए, हमेशा जो सब लंबे समय से जो डिपार्टमेंट है ब्रांच में उसको पहले उसका ट्रांसफ़र किया जाए। अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है कई सारे बैंक में ऑनलाइन नहीं है, मतलब प्रॉपर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप मैनेज करो जिससे कि सारे स्टाफ को देखे कि किसका कब ट्रांसफ़र हुआ है, कितने पीरियड के बीच। तो डेवलप एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा जो अगला पॉइंट इन्होंने जो बताया, बैंक टू अकोमोडेट ऑफिसर अप टू स्केल 3 इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नई स्टूडेंट के लिए भी। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि स्केल 1 2 3 और क्लर्क, इनको जो इनके रीजन जहाँ से ये बिलोंग करते हैं उसके आसपास ही पोस्टिंग दी जाए, इससे उनको इशू ना आए पोस्टिंग में काम करने में। क्योंकि कई लोगों को जो SBI PO या IPS PO भर्ती होते हैं, उनको कई लोगों को अदर स्टेट में दे देते हैं। यहाँ रिकमेंड किया गया है कि जहाँ स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं, उसी रीजन में उनको पोस्टिंग दी जाए। स्केल 3 तक तो ये मैंडेटरी करें, कोशिश करें, वो काफ़ी बेनिफिशियल भी है, क्योंकि बैंक कई बार पॉलिसी ऐसी है किसी को 10 साल हो गया तो उसे इंटर स्टेट ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो ना करें, इसको स्केल 3 तक उनके जो भी रीजनल एरिया हैं वहीं पर पोस्टिंग दी जाए। अगला एक और पॉइंट है इसमें, जो डिफ़िकल्ट एरियाज होते हैं कुछ, जैसे कोई नक्सल एरिया है या फिर कोई ऐसा एरिया है जो मतलब काफ़ी पहाड़ी है या वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है पर बैंक की ब्रांच है, तो अगर कोई उस एरिया में पोस्टिंग देता, मान लीजिए कोई नक्सल एरिया है, मान लीजिए दंतेवाड़ा है अपना छत्तीसगढ़ का,
वहाँ किसी की पोस्टिंग है तो उसका टेन्योर खत्म होने के बाद उसकी जो प्रेफरेंस हो ना उसी पर उसे पोस्टिंग दी जाए। इस तरह का ये पॉइंट है। अगला पॉइंट उन्होंने क्लियर कह रखा है कि जो द ग्राउंड ऑफ मैरिज स्पाउस मेडिकल मैटरनिटी चाइल्ड केयर, तो इनको सूटेबल रखें आप, जो भी हो सके वो किया जाए। क्योंकि ग्राउंड ऑफ मैरिज मतलब कोई कई बार वो प्रेजेंट करता है कि सर मेरे मेडिकल इशू है, फैमिली में मेडिकल इशू है, या फिर मेरी मैरिज से रिलेटेड भाई वहाँ काम करती है, तो उनको प्रायोरिटी पर निपटा के उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये पॉइंट और अच्छा है अगला वाला, कि अभी तक ये रहता था केवल बैंक एम्प्लॉय अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनको आसपास पोस्टिंग दे दी जाती थी, लेकिन अगर एक स्पाउस किसी और गवर्नमेंट ऑफिस में है तो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो यहाँ इन्होंने क्लियर मेंशन किया, अगर किसी का स्पाउस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में है तो उनको पोस्टिंग उन्हीं के एरिया में दी जाए। इसके अलावा वुमेन के लिए भी वुमेन एम्प्लॉयज आर ट्रांसफर एज फार पॉसिबल नियर बाय प्लेस, काफ़ी अच्छा है ये लास्ट पॉइंट तो है ही इम्पोर्टेंट। कोई भी फीमेल स्टाफ हो उसको उसके घर के पास ही पोस्टिंग दी जाएगी, नियर बाय स्टेशन इन द रीजन। ये बाकी पॉइंट हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, बाकी मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। और ये उन्होंने क्लियर कहा है कि ये सारा है वो फाइनेंशियल है 2025-26 में लागू हो जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा किया है जो विजय शंकर तिवारी जी हैं भारत के अपर सचिव हैं, अपर सचिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्त विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से निकला है लेटर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये पॉलिसी को पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो न्यू ज्वाइनी आ रहे हैं उनके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। बाकी अगर आपको फ्री मॉक इंटरव्यू देना है IPS PO 2024 के लिए, तो आप हमको मेल कर दीजिए bankingtube@gmail.com पर। थैंक यू।